आप सब से हो पाएगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना आप सब लोगों से हो पाएगा। जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। रिसर्च और मैनेजमेंट हम कहां से पढ़े, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। और नहीं हो तो पंकज यादव यहीं पे है, आप यहीं पे हो। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स दिल्ली का एक नंबर ज्यादा आया तो 500 बच्चों से ऊपर चले जाते हो और आ सकता है नोट 2022 पंकज यादव नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो जो मेरी लास्ट वीडियो डाली थी प्रकाश जाखड़ के साथ में, और उससे पहले जो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी कि अगले एक महीने के अंदर आप कितने कैसे तैयारी कर सकते हो और नोट सेट 2022 को क्रैक कर सकते हो, पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी आपको। तो उस वीडियो के ऊपर काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो आपने लास्ट ईयर भी बताए थे जो नोट सेट 2022 के अंदर आ सकते हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते, जो हम तो एटलीस्ट वो तो पढ़ के ही जाए। तो वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। और एटलीस्ट आपने मेरी लास्ट एक साल के अंदर कोई वीडियो देखी हो नहीं देखी हो, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये वीडियो देखना कंप्लीट देखना, आपको काफी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिलते, चाहे आपकी कितनी भी तैयारी हो रखी हो, तो चाहे आपकी एक महीने से आपने स्टार्ट किया, चाहे आपकी कोचिंग पूरी हो रखी हो नहीं हो रखी हो, एटलीस्ट ये वीडियो पूरी देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोले। ओपन चैलेंज देता हूं मैं, जितनी भी ऑडियंस है मेरे को, जितने भी देखते हैं, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, कि अगर लास्ट 1.5 साल के अंदर मैंने मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली है, कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, अगर उस चैनल वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को ना मिले, कुछ अच्छा देखने को ना मिले, तो मेरी लाइफ में कोई वीडियो ना देखे, अभी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। इस लेवल का कंटेंट दिया हुआ है मैंने हर वीडियो के अंदर, हर तरीके से। मेडिकल साइन जल्दी 50,000 की फैमिली होने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी इसके अलावा वीडियो को शुरू करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप जो भी लोग जहां से भी देख रहे हो इस वीडियो को, चाहे आपकी कोचिंग कंप्लीट हो रखी हो चाहे नहीं हो रखी हो, या फिर आपने अभी एक महीने से ही स्टार्ट किया हो, यानी कि जब से नोटिफिकेशन आई है तभी से किताब स्टार्ट की हो, या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, गाइड पढ़ रहे हो, वो स्टार्ट की हो, तो भी, और प्लस में आपकी अगर कोचिंग हो रखी हो कुछ भी सिचुएशन के अंदर हो, ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प देने वाली है, डेफिनेटली फायदा होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद में, और पूरी देखना। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं जो मैं आपको बताता जाता हूं, और आप लिखते जाना, पेन और नोटबुक ले लेना, और ये टॉपिक्स को आप चाहे नोट सेट 2022 पेपर देना चाह रहे हो तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो आपको पढ़कर ही जाने हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नोट सेट 2000 एग्जाम के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इतना मैंने लास्ट के 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस देखा है, सारे पेपर देखे मैंने, और मैंने खुद ने भी दिया हुआ है, 2 बार क्रैक किया हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस बेस्ड ऊपर कहता हूं कि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, चाहे आपने कितनी भी तैयारी कर रखी हो। तो लिखते जाना, नोटबुक और पेन उठा लेना, मैं आपको बारी बारी बताता जाता हूं, नंबर वाइज बताता जाता हूं, और आप लिख। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, दैट इज ईसीजी से रिलेटेड। यानी कि अगर ईसीजी का क्वेश्चन हमेशा आता है, 2019 के पेपर में भी आया था, 20 के पेपर में भी आया था, यानी कि 2019 का जो कंबाइन पेपर लगा था उसके अंदर भी पेपर देखने को मिलता है, और जो 2020 का पेपर लगा था नोट सेट का उसके अंदर भी ईसीजी का क्वेश्चन आया था, और इसके अलावा 21 में भी एक क्वेश्चन ईसीजी का जरूर आया था। तो ये चीज ध्यान दे करके चले, ईसीजी से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि पी वेव किस वजह से बनती है, क्यू वेव किस वजह से बनती है, क्या ईसीजी के अंदर चेंजेस होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, एमआई के अंदर कैसी ईसीजी का फॉर्मेशन होता है, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ईसीजी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको नोट सेट 2022 के अंदर देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद में सेकंड मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज ड्रग कैलकुलेशन का, यानी कि ड्रग कैलकुलेशन 2020 में भी देखने को मिली थी, और 21 में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जो 2019 का कंबाइंड पेपर लगा था उसमें भी देखने को मिला था, तो इस साल भी आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ड्रग कैलकुलेशन, उस ड्रग कैलकुलेशन के अंदर आप में कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी कि 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ड्रग कैलकुलेशन में, तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, अच्छे से तैयारी करके जाए, तो उस वजह से आपको ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन जरूर पड़े और वो आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो अराइज होता है, दैट इज आ सकता है नोट सेट 2022 में, विच इज एसिड बेस बैलेंस का, यानी कि एसिड बेस बैलेंस से क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस होते हैं आने के, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी जिसमें आपको CO2 का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, बाइकार्बोनेट्स का लेवल डाल दिया जाता है, और पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एसिड बेस बैलेंस का, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, नोट सेट 2020 में भी आया था और 19 में भी आया था, तो ये चीज याद रखिए। देन उसके बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो लास्ट के 3 साल से तो मैंने देखते हुए हो गया, और नोट सेट 2000
21 का जो पेपर लगा था उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिला था, दैट इज पोजीशन से रिलेटेड। यानी कि एम्स दिल्ली हमेशा एक क्वेश्चन पोजीशन का तो जरूर जरूर डालता है। और ये बात याद रख लेना जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर ये आप टॉपिक पढ़ के जाते हो और अगर इन टॉपिक्स में से अगर 5 से 7 क्वेश्चन भी आपको सामने आ जाते हैं ना, तो 5 से 7 क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी अभी आपकी पॉकेट के अंदर रख लिया यू मान के चले। यानी कि एक नंबर से ही हजारों बच्चों का आगे पीछे हो जाता है। यानी कि जितनी भी आपकी रैंक बनती है ना, अगर आपका एक नंबर ज्यादा है ना तो 500 बच्चों से ऊपर चले जाते हो, और अगर एक नंबर कम आता है ना तो 500 बच्चों से नीचे आ जाते हो, क्योंकि 80-20 है। प्लस में इसके अलावा परसेंटाइल बेस के ऊपर भी रिजल्ट बनता है, और इसके अलावा कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो चुका है। तो इस वजह से एक एक नंबर की अहमियत का ध्यान देकर के चलो। जितने भी बच्चे देख, आपको एक एक नंबर सेव करना है, आपको अच्छे से तैयारी करके लेके जानी है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो हमेशा इन चीजों को ध्यान, ये मत सोचना कि मेरा एक नंबर कम होगा तो क्या फर्क पड़ता है। हजारों बच्चों से मेरे मन चाहा एम्स नहीं मिल पाया। जो बच्चा राजस्थान के ना, वो पटना एम्स ज्वाइन कर रहा है, नागपुर एम्स ज्वाइन कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसकी अच्छी रैंक नहीं आई और उस टाइम के ऊपर 2-4 क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गया उस वजह से। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर के चलना है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, दैट इज ईटी ट्यूब एनजी ट्यूब। यानी कि ईटी ट्यूब और एनजी ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईटी ट्यूब की आपको इमेज बेस्ड डाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनजी ट्यूब का जो उसकी पोजीशन होती है, पोजीशन किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, कितना लेवल होता है, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये चीज आप अच्छे से पढ़कर जाना, और इसकी इमेज भी पूछी जा सकती है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एम्स दिल्ली ने 2019 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा था, जो इमेज बेस डाल रखी थी इसकी, और एक 21 में भी क्वेश्चन पूछ रखा था। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देन उसके बाद में पेल्विक पोजीशन, यानी कि पेल्विक पोजीशन, जैसे कि जो भी बच्चे की पेल्विक पोजीशंस होती है कंपेयरेटिव टू द जो पेल्विक के अंदर पाई जाती है डिलीवरी के टाइम के ऊपर, जो भी मतलब जो भी आपने पोजीशन पढ़ रखी होगी, तो वो पोजीशंस ध्यान देकर के चले। उसकी इमेज बेस बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान देकर के चलिए। स्टील स्पाइन क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं हर एग्जाम के अंदर। जैसे अभी जो जिपमर का पेपर देने वाले, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये पढ़कर ही जाना, आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। अच्छा, एक चीज मेरे साथ में और याद आ रही है, मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, दैट इज की जो मेडिकल साइन है, आप सब लोगों के लिए टेस्ट सीरीज चला रखी है। यानी कि ये जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्लस में जो क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को मैंने मेरी खुद की टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड करवा रखा है। तो जिसने अभी तक मेडिकल साइन की टेस्ट सीरीज नहीं लिया, ओनली एंड ओनली 149 के अंदर मैंने आप सब लोगों को टेस्ट सीरीज दे रखी है, और 1400 से ज्यादा बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ऑलरेडी कर रखा है। तो विश्वास दिलाता हूं मैं आप सब लोगों का, 149 के अंदर पूरी YouTube हिस्ट्री में किसी ने नहीं दी इस लेवल का कंटेंट दे रखा है, और जिन बच्चों ने ले रखी है तो डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। और आने वाले एग्जाम के अंदर जो मैं आपको टॉपिक, जो मैं टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे, और या फिर उसके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली तो पूछ ले वो आपकी किस्मत, वरना उस टाइप के जैसे क्वेश्चन पूछने को जरूर मिलेंगे। तो एक बार नोट सेट 2022 की जो ग्रैंड मेगा टेस्ट सीरीज मेडिकल साइन एप्लीकेशन के ऊपर एक बार जरूर लेकर देखना, अगर फायदा ना हो तो पेपर देखकर आखिर मेरे से बात कर लेना, इस लेवल का कंटेंट दे रखा आप सब लोगों को। तो जरूर ले, मेहनत करे, साकार करे अपने सपने को, मेडिकल साइन के साथ में जुड़ के, पंकज यादव के साथ में जुड़ के इस लेवल का कंटेंट देख रखा है, एक बार जरूर ले। जितने भी वहां पे मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स भी डाल रखे, अगर वो किसी को लेने तो वो भी ले सकता है। तो सारा सब कुछ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, या फिर प्ले स्टोर के ऊपर मेडिकल साइन सर्च कर लेना, आपको पूरी टेस्ट सीरीज पूरी एप्लीकेशन वहां पे मिल जाएगी। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होता तो मैं आप सब लोगों के साथ में हूं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज सीपीआर से रिलेटेड। यानी कि सीपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या तो उसकी चेस्ट रेशियो कंपेरेटिव टू द जो रेस्पिरेशन दी जाती है, यानी कि जो उसका रेशियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीएल से पूछा जा सकता है, एल से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हर एग्जाम के अंदर, नॉर्सेट 2022 के अंदर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स दिल्ली, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स दिल्ली, दैट विल कम फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि बीएमडब्ल्यू। वो बीएमडब्ल्यू नहीं जो आप सपने लेते हो, मे बी वो आपको जिंदगी में मिले अगर पढ़ाई करो अच्छे से। अभी मत बोले सर नर्सिंग करके ज्वाइन करके एम्स के अंदर हम बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकते, भाई कुछ भी कर सकता है इंसान, ऐसी कोई बात नहीं है। बस खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, कुछ भी कर सकता है कुछ भी, ये बात सच्चाई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहां से इतने पैसे निकमा सकते हो तो इस वजह से नहीं ले सकते बीएमडब्ल्यू, कोई भी ले सकता है, बस अच्छे से मेहनत करें। तो सेकंड चीज ये होती है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, नोरसेट 2021 में मिला था, 20 में भी मिला था, और 19 के अंदर भी मिला था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये चीज ध्यान देकर के चले। देन उसके बाद में कैनुला से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद में इमरजेंसी ड्रग, याद रख ले, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इमरजेंसी से ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
याद रखे, चाहे वो जाइलोकेन से पूछा जाए, चाहे एड्रेनलिन एडीआर से पूछा जाए, उसकी रेशियो पूछी जाए, या फिर डोबुटामाइन से, एडीआर से, नॉन एडीआर से, नोरेड से, सबसे ये जो भी क्वेश्चन, जो भी इमरजेंसी ड्रग्स होती है, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप ये चीज इसलिए पूछते कि ये चीज आप आके यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। मैं एक साल से दिल्ली के अंदर हूं, और जब मैं यहाँ पे तैयारी, यहाँ पे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर इन चीजों की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देकर के चले कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। कि इनकी नॉलेज आप अगर नहीं होती है तो यहाँ पे जब आप काम करोगे इमरजेंसी के अंदर तो आपको नॉलेज नहीं होगी। तो हमेशा एम्स दिल्ली ये चेक करता है कि बच्चों को ये चीज आती है या नहीं आती है। देन उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज सूचर से। सूचर से क्वेश्चन पूछ सकता है, ईमेल पूछे चाहिए फिर, या फिर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे। देन उसके बाद में स्प्लिंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद में वाइटल साइन से रिलेटेड कंफर्म एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको नॉर्सेट 2022 के अंदर। देन उसके बाद में साइकेट्रिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ईटिंग डिसऑर्डर से, यानी कि बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़कर जाना है। और देन फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन मेरे से ये भी पूछा गया था, दैट इज कि सर रिसर्च और मैनेजमेंट हम कहां से पढ़े, टाइम बहुत कम है और थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट है, और क्वेश्चन उसमें से जरूर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रिसर्च मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है, तो कहां से पढ़े। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है और आपको अगर रिसर्च मैनेजमेंट अच्छे से तैयारी करनी है आपको, तो याद रखे जो रिसर्च और मैनेजमेंट के एमसीक्यू है पीआर यादव और टारगेट आई के पीछे की तरफ लास्ट में, वो एमसीक्यू जरूर निकाल कर जाना। उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से, लगभग अच्छे तरीके से आपको रिसर्च और मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर वो उतना निकालते तो वो सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, इससे बाहर पेपर नहीं आता। मैंने जहां तक देखा लास्ट के 3 साल, इस साल आ जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन इससे बाहर रिसर्च मैनेजमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये चीज ध्यान देकर चले, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 150 से 200 क्वेश्चन जो डाल रखे हैं वहां पे, वो बहुत इनफ है आपको अच्छे से निकालने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं जो भी ये सारे डालते हैं। एक टॉपिक वाटर शिल्ड्रेनेज भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मैं जो आप सब लोगों को बता देता हूं। एक लास्ट टॉपिक बनता है, दैट इज साइकोथेरेपी से, फार्मासी हमेशा साइकोथेरेपी की जो साइकोएनालिटिक साइकोटिक ड्रग्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, लिथियम की डोज वगैरह हो गई, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये चीज पढ़कर जाना। तो ये चीज फार्मा के अंदर आप साइकोटिक ड्रग्स पढ़ के जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट बनता है। देखो बनता तो सब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मा का पहले का भी है, लेकिन इस टाइम के ऊपर अगर आपने वो चीज नहीं पढ़ रखी है और अब आप टाइम में नहीं है पूरा रिवाइज करने का, तो इतना तो आपको पढ़कर ही जाना चाहिए। तो आने वाले टाइम में आपको 10 से 15 नंबर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इसमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे, अगर भगवान ने चाहा, अगर आपने अच्छे से मेहनत की। तो लास्ट ईयर भी बताए थे, इस साल भी बता रहा हूं आप सब लोगों को, तो इतनी मेहनत जरूर करें। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने मेडिकल साइंस की टेस्ट सीरीज के अंदर डाल रखे, इनसे रिलेटेड जितने भी है तो वो भी लेकर देख लेना, फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात कर लेना, इस लेवल का कंटेंट दे रखा है। तो ये सारे लोगों को मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि जरूर पढ़े, अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से मेहनत करे, और देन फिर उसके बाद में रिजल्ट आपके फेवर में होगा। और नहीं हो तो पंकज यादव यहीं पे है, आप यहीं पे हो, और नॉर्सेट 2022 की डेट आपके सामने है, आकर बात कर लेना, इस लेवल का कंटेंट दे रखा है। इस लेवल की आपको मैं बातें बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, और ये गाइडेंस और ये बातें कोई मैं मेरे घर से नहीं लेकर आता, ये सारी जो लास्ट के मैंने 4 साल से जो एग्जाम देखे हैं पूरे एम्स दिल्ली के, नॉर्सेट के, प्लस मिस करवा जितने भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते रहते हैं, उन सारों के बेसिस के ऊपर मैं आपको गाइडेंस बताता हूं। और ये बात याद रखे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर आप इतना कैसे बता सकते हो, मैंने खुद ने 5 एग्जाम क्रैक करे, जिसमें से 3 एग्जाम तो 80-20 के अंदर मैंने खुद ने क्रैक करे विद ऑल इंडिया रैंक के साथ में। तो ये चीज घबराने की जरूरत नहीं है, इतना विश्वास करे, इतना जो मैं आपको बताता हूं इन चीजों को आप तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा और पक्का आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता सिवाय आप खुद। एक चीज मैं आपके साथ में और इंक्लूड करना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, दैट इज कि देखो अभी नर्सिंग फील्ड के अंदर बहुत कम वैकेंसी आ रही है, आप भी देख रहे हो लास्ट ईयर से बहुत कम वैकेंसी आती है, जो पहले आती थी 2018-19 के अंदर वो अभी फिलहाल नहीं हो रही है। ये बहुत मेगा अपॉर्चुनिटी है आप सब बच्चों के लिए नर्सिंग के अंदर, कि अब आप अपने लेवल के ऊपर सिलेक्शन ले सकते हो, जॉब कर सकते हो। आगे पता नहीं है, सरकार है कब एग्जाम करवाएगी, कब पेपर लेगी, कब आपको सामने वैकेंसी आएगी, किसी को नहीं पता रहता है। तो इस मौके को जाने ना दे, आप अच्छे से मेहनत करें, कभी भी ये ना सोचे कि मैं बैक बेंचर हूं, मेरी तैयारी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मेरी कभी कोचिंग के अंदर रैंक नहीं आई। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस साल नॉर्सेट 2021 को क्रैक करके ज्वाइन किया एम्स दिल्ली, और जिनको वो खुद कहते हैं सर मेरी बॉस मेरे को तो कभी रास्ता नहीं किया है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं बॉस मेरी कभी कोचिंग में रैंक नहीं आई और पता नहीं कैसे एग्जाम मेरे साथ क्रैक हो गया। ऐसे हैं बहुत सारे, मैं सही बता रहा हूं आपको, जिन्होंने ज्वाइन किया एम्स दिल्ली। तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मेरे से नहीं हो पाएगा,
आप सब से हो पाएगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना आप सब लोगों से हो पाएगा, ये मेरी गारंटी है, आप सब लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। आपको किसी को नहीं पता कि कब कौन सा पेपर आपके टाइम के ऊपर आपके हिसाब से आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, किसी को नहीं पता होता। और ये बोले अपने आप से खुद से कि सर जिंदगी में क्या यार ये पीआर टारगेट थोड़ी ना पढ़ते रहनी है, क्या इन्हीं के अंदर थोड़ी ना निकाली है, बस ये बोले कि एक बार पढ़ना है, आखिरी बार पढ़ना है, बस अपना बेस्ट देना है, कुछ नहीं छोड़कर जाना इस बार। तो अगर इस बार कुछ भी नहीं छोड़कर नहीं जाओगे, अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से सब कुछ निकाल के जाओगे, तो लाइफ टाइम इन चीजों से पीछा छूट जाएगा, आपको कभी किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जिंदगी आपके हिसाब से चलेगी, ये सच्चाई है लाइफ की। तो बस यही है, ये जो टाइम है, ये जो प्रीसियस टाइम है, इस प्रीसियस टाइम को गवाए नहीं, किसी भी चीज को आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो एम है, उस एम के अंदर ना आने दे। बस ये बोले कि ये एक डेढ़ महीना है, इसके बाद में सिलेक्शन हो नहीं हो मेरी किस्मत, मैं मेरा बेस्ट दूंगा या मैं बेस्ट दूंगी। आप जो ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये सारी मिडिल क्लास फैमिली होंगे, मुझे कंफर्म बताया, क्योंकि नर्सिंग सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से ही करता है, कोई बाहर से नहीं करता। जिसके पापा का बिजनेस होता है, फिर बाहर से बहुत अच्छी खानदान होता है, वो मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा जो उनकी खुद की वेल सेटल फैमिली होती है, वो कभी नर्सिंग में अपने बच्चे को नहीं भेजता, उनके पास में पहले इतना सारा सब कुछ इनकम सोर्स होता है कि वो अपनी लाइफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप सच में क्रैक करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए है, एम्स ने जो दे रखी है, इस बार आपको पेपर क्रैक करना ही है। तो याद रखे, बस खुद से बोले कि इस बार नॉर्सेट 2022 क्रैक करके ही रहना है, चाहे मेरे बाद में कुछ भी हो, फिर बाद में चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस बार नॉर्सेट 2022 है। सोते उठते जागते नहाते धोते सब कुछ उस टाइम के ऊपर आपके दिमाग के अंदर बस एक ही चीज चलनी चाहिए, ओसीडी हो जानी चाहिए कि इस बार कोई नहीं रोक सकता नॉर्सेट 2022 के अंदर क्रैक करने से। तो ये चीज याद रखिए, सारे बच्चे ध्यान देकर चले, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है आप सब बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने का, सब बच्चों को गाइड करने का तरीके से, जिससे कि आप अपने एम को अचीव कर पाए। और इतने सारे वैसे इस साल जिसने बच्चों ने ज्वाइन किया वो भी मेरे से आकर मिलते हैं, तो आप भी आकर मिलोगे। इस साल नॉर्सेट 2021 की जो जिसने ज्वाइन किया था एम्स, उसकी भी पार्टी होने वाली है वेरी सुन, जो आपको इसी चैनल के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वो भी चीज देख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाद में एक महीने के लिए तो एटलीस्ट कर लेना, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बस आप सिलेक्शन लेना, बस मेरा मेन मोटिव यही है। और जो नॉर्सेट 2022 की ग्रैंड मेगा टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, वो जरूर लेकर देखना मेडिकल साइन के ऊपर, वो इस लेवल का कंटेंट दे रखा है आप सब भाई लोगों के लिए, बहनों के लिए, कि बस आप सिलेक्शन लिया और मिनिमम अमाउंट में दिया है कि हर कोई बच्चा एफोर्ड कर सके नर्सिंग के अंदर, हर किसी के पास में इतने पैसे नहीं होते, मैं खुद वहां से निकल कर आया हूं, तो इस वजह से दिया है, हजारों में नहीं बेचते, बस मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, तो इस वजह से। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं।